साथ इस समय एक बेहद खास मेहमान हैं, और वो मेहमान हैं डॉक्टर रवि मलिक। वो डॉक्टर रवि मलिक जिन्होंने कोरोना की हर लहर में मरीजों की, लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। आप मलिक रेडिक्स के सीएमडी हैं, और आपने सरकार पर भी काफी दबाव बनाया ऑक्सीजन मामले को लेके। वो समय याद कीजिए जब दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी, तब एक आवाज सबसे मुखर होकर सामने आई, और वो आवाज डॉक्टर रवि मलिक की थी। सरकार को वहां भी डॉक्टर मलिक के आगे झुकना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी आपने कई हॉस्पिटल्स में सर पूरी करवाई, इसके लिए आज कोरोना क्योंकि खत्म हुआ, राहत है, इसलिए आपका धन्यवाद और स्वागत आज तक पर। डॉक्टर मलिक, ये आज की स्थिति कोरोना की आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना की अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 7,168 केस के करीब जो है ये रिपोर्ट किए गए हैं और 16 डेथ्स हुई हैं। डेफिनेटली हमें केयरफुल रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम हफ्ते बाई हफ्ते अगर इसको एनालाइज करें तो इस हफ्ते पुराने हफ्ते से लगभग 20% केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके पिछले 5 हफ्ते में लगभग 80% से 100% का इजाफा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ थोड़ा थोड़ा रुकाव आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाए। सिर्फ यही है कि शायद लोग एहतियात बरत रहे हैं तो उसकी वजह से शायद ये उतने ज्यादा पैर नहीं पसार रहा जितने कि पिछले हफ्तों में पसार रहा था। इस हफ्ते का हमारे को आगे फिर और देखना पड़ेगा। जी, आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं जो एक केयरलेस एटीट्यूड था वो हम लोगों का था, कि हमने इसे बहुत सर्दी जुकाम और बहुत आम चीज़ मान ली, और हम ये भूल गए कि कोरोना से हमने कितना नुकसान उठाया। आपको लगता है कि इसकी वजह से भी हम यहाँ आज 7,000-10,000 केसेस तक आ रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं सेठ जी ये बताना चाहूंगा कि पैंडेमिक्स जो है ना वो जाते जाते ही जाते हैं, जाते जाते फिर कई बार वापस आ जाते हैं। तो हमें जागरूक रहना तो बहुत आवश्यक है जब तक कि 2-3 साल ना बीत जाएं जब केसेस इंटरनेशनली आने बंद हो जाएं। अब आप देखिए कि इंटरनेशनली तो केसेस चल ही रहे थे, चाहे यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, वहां पर लाखों केसेस हो रहे थे। तो हमें जागरूक रहने की आवश्यकता बहुत जरूरी है क्योंकि पैंडेमिक्स कई बार जाते जाते फिर दोबारा से भी आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें सावधानी तो इस चीज में बिल्कुल भी हमें घटानी नहीं चाहिए। हमें जिनको भी वैक्सीन्स लगनी है वो अपनी वैक्सीन्स लगा दीजिए, बूस्टर डोजेस जिनकी ड्यू है वो लगवा लें, जो भी बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुई हैं उन्हें वैक्सीनेट करा लें। जबकि हमारे देश में जो आज का आंकड़ा है वो है लगभग 220.66 करोड़ वैक्सीन जो है हम अभी तक लगा चुके हैं अपने देश में। लेकिन जिन भी लोगों के बूस्टर डोजेस, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बूस्टर डोज नहीं लगी है, बूस्टर डोज वो लगा लें, एहतियात बरें, सोशल डिस्टेंसिंग को एक तरह से अपना प्रिंसिपल बना लें। इसमें ना केवल कोविड लेकिन तमाम तरह की और बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उनसे भी हमारा बचाव हो सकता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है और अपने हेल्थ के लिए प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। सर, आपको क्या लगता है, पिछली जो वेव्स हमने देखी हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, अब वो ख़त्म है, और इस बार जो वेरिएंट है वो बहुत नॉर्मल है, हमें इससे ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है सर? डॉक्टर मलिक, देखिए, जो XBB.1.16 करके जो वेरिएंट इस वक्त प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है ओमिक्रॉन वायरस का, ये अभी तक के जितनी भी शुरुआती शोध आया है उस हिसाब से तो ये माइल्ड वेरिएंट है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वेरिएंट नहीं है। लेकिन कोई भी वायरस जो है कभी भी अपना रूप प्रतिरूप भी बदल सकता है और ये एग्रेसिव भी हो सकता है, और खास करके उन लोगों में जो कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे टीबी के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, हार्ट डिजीज के मरीज हैं, उनमें माइल्ड वेरिएंट भी जो है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें माइल्ड वेरिएंट भी जो है बहुत एग्रेसिव हो सकता है, बुजुर्ग लोग हैं। तो हमें सिर्फ वेरिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तैयारी के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। अपनी तैयारी की हमारे को जो है वो पुख्ता हमारे को अपनी तैयारी रखनी चाहिए बनिस्पत के ये वेरिएंट माइल्ड है तो इसे। लेकिन हाँ, ये जी जरूर है कि अभी तक का जो भी आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से ये वेरिएंट कंपैरेटिवली थोड़ा माइल्ड है, लेकिन ये रैपिडली इन्फेक्शियस भी है। ये भी एक चीज हमें मद्देनजर रखनी है कि चाहे ये माइल्ड है लेकिन ये बड़ी जल्दी से रैपिडली स्प्रेड भी हो सकता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
सर, आपको लगता है सर कुछ रेस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से होनी चाहिए? मास्क मैंडेटरी किया गया है, कुछ और इसके आगे आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए, या अभी सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस ही हम लोगों की तरफ से काफ़ी होगी? ये पांचों चीजें हमारे को करनी चाहिए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन एंड सोशल बिहेवियर। ये पांचों चीजें जो हैं, ये फाइव प्रॉन्ग अप्रोच है जो कि प्रिवेंशन में काम आती है। तो सरकार को थोड़ी टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए, ट्रैकिंग करनी चाहिए इसकी, डेफिनेटली जो मरीज आ रहे हैं उनकी अर्ली ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि कोई मृत्यु के द्वार तक ना जाए, वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए और सोशल बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, इनके ऊपर हमें स्ट्रेस देना बड़ा जरूरी है। सरकार ने डेफिनेटली समय पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सरकार ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस भी दे रखी हैं। अब बहुत सारी चीजें सही जी, क्योंकि हम इस बीमारी से बहुत कुछ सीख भी गए हैं तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस भी आए हैं, क्योंकि अब हमने देख लिया कि एंटीबायोटिक्स जो कि हम पहले देते थे, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, उनका कोई खास बहुत ज्यादा रोल नहीं है। उसके बाद में आइवरमेक्टिन देते थे, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि सरकार ने अब कहा है इनका रोल नहीं है, ये नहीं देनी है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी एडवाइजरीज हैं वो भी थोड़ी चेंज हो रही हैं, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, और ये पांचों चीजों को हमारे को पकड़ के चलना है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, वैक्सीनेशन एंड ऑफकोर्स सोशल बिहेवियर। सर, सोशल बिहेवियर के साथ साथ वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमने इग्नोर किया है और जिसके कारण आज हम 7,000 से ज्यादा और 10,000 से ज्यादा केसेस देख रहे हैं डॉक्टर मलिक? देखिए, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा जमावड़े करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, सम ऑफ देम आर अवॉइडेबल, सम ऑफ देम आर नॉट अवॉइडेबल। तो हमें ये देखना बड़ा जरूरी है कि जो सोशल गैदरिंग्स कर रहे हैं, खासकर इस वक्त जो कि जिस तरह से इतना ज्यादा फैल रहा है, तो उन सोशल गैदरिंग्स का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर सोशल गैदरिंग्स करनी भी पड़ती हैं तो उसमें गैदरिंग प्रोटोकॉल, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां पे सब लोग मास्क पहने, सब लोग कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग का, और जो लोगों को खांसी है, जुकाम है, थोड़ा सा फीवर है या कोविड वाले सिम्टम्स है, दे शुड अवॉइड गोइंग टू दीज गैदरिंग्स, क्योंकि अगर वो इन गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं तो फिर वो इन्फेक्शन को भी परकुलेट नहीं करेंगे। जिस भी पेशेंट को हो जाती है, ये एक पर्सनल दायित्व मरीज को अपना लेना है, जो भी कोविड से डायग्नोज होता है उस पेशेंट को अपना एक दायित्व समझ के चलना है कि देखो मुझे कोविड हो गया, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि और लोगों को मैं कोविड ना दूं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है। तो उनको अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए, छुट्टी ले लेनी चाहिए फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि कोविड खत्म नहीं हो जाता। तो ये एक तरह से हम सब ह्यूमन चेन के साथ में जुड़े हुए हैं और हम सबको इस चीज की जागरूकता रहेगी तो सभी इकट्ठे बचे। सर, आपको आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केसेस एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं, कोई ऐसी डरने वाली बात तो डॉक्टर मलिक नहीं है कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा हम केसेस देखेंगे या ऑक्सीजन की जो कमी हमने बहुत डराने वाली देखी, वैसी कोई स्थिति तो आप सर नहीं देखते हैं भविष्य में? देखिए, भविष्य के बारे में दो चीजें काफी क्लियर हैं। एक तो सरकार भी बहुत जागरूक है, और हो सकता है कि किसी चीज की अगर पहले कभी कमी रही हो तो वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार जो है बहुत जागरूक है हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेके और हर चीज को लेके। मुझे लगता है कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले भी, मतलब ये एक विश्व के अंदर एक तरह से ये एक मिसाल भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि एक ऐसा देश जो विकासशील है, अभी विकसित नहीं है, विकसित देशों के हिसाब से अगर सही जी आज हम कंपेयर करें यूएसए के हिसाब से, तो 10 times कम मॉर्टेलिटी हमारे इधर हुई है। हमारी इधर जो अभी मॉर्टेलिटी का आंकड़ा है वो लगभग 531,345 के करीब आज की तारीख तक जो है डेथ हुई है हमारी, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट बताती है। लेकिन अगर हम यूएसए वगैरह में देखें तो वहां पे मृत्यु का आंकड़ा लगभग 11 लाख पे पहुंचा हुआ है, जबकि उनकी आबादी हमसे 5 गुना कम है। तो अगर हम उस वे से कंपेयर करें विकसित देश और अपने हिसाब से, तो हमने बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज किया है। सो अपर मॉर्टेलिटी हैज बीन लेस देन 10% ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। इसी तरह से किसी भी नेशन के साथ हम बात कंपेयर करें, अगर पॉपुलेशन के फैक्टर को देखते हुए अगर कंपेयर करें, चाहे वो इटली है, चाहे वो यूके है, चाहे वो स्वीडन है, हम लोगों की मॉर्टेलिटी जो है उससे से कम रही है। तो हमने काफी अच्छे वे से किया है। आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि सरकार भी जागरूक है, हमारी मेडिकल कम्युनिटी भी, बिल्कुल दे आर अप इन द आर्म्स टू टैकल विद दिस सिचुएशन।
लेकिन फिर भी जो चीज कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको हमें फॉलो करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये बढ़ते हैं केसेस तो हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड, हमारी इकोनॉमी पे लोड, लोगों की जीविका पे लोड, तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग जो है इम्पैक्ट करता है हमारे ऊपर, तो उसको हमारे को खास करके देख के चलना बड़ा जरूरी है और हमारे को इस बीमारी को प्रिवेंट करके इससे बच के और इससे सावधानी से चलना ही ज़्यादा बेहतर है। सर आपको क्या ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ ऐसे कदम उठाने ज़रूर पड़ेंगे, जैसे ये जो केसेस आ रहे हैं, जो एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, उससे हम बच पाएं? डेफिनेटली हम लोगों को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट भी अगर दिल्ली की बात करें तो 26-28% तक का पॉजिटिविटी रेट पहुंचा है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, बहुत सारे केसेस टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट आंकड़े भी हमें नहीं पता चल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो 7,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये वो हैं जो टेस्ट हुए हैं, इनमें बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि अभी टेस्ट भी नहीं हुए हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं कराए हैं लेकिन उनमें भी कोविड होगा। तो डेफिनेटली जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हैं उस तरह से हमारे को बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है कि दोबारा से, खासकर ये स्ट्रेन रैपिडली प्रोग्रेसिवली फैलता है, तो उसको भी हमें मद्देनजर में रखते हुए जो है पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में प्रिवेंशन के ऊपर पूरा जोर देना चाहिए, बनिस्पत के इट ब्लास्ट सेल टू डिफरेंट सिनेरियो। अगर हम पास्ट की भी बात करें, जून 21 की बात करें, लगभग जून जुलाई में 4 लाख के केसेस करीब होते थे पर डे, फरवरी मार्च की बात करें 2022 की तो फिर उसमें भी काफी होते थे, तो इस तरह से हमारे को ये संभल के चलना बड़ा जरूरी है कि ये कभी भी केसेस बढ़ भी सकते हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक। डॉक्टर मलिक सर, आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि पिछले दिनों हमने बहुत सारी डेथ्स और यूथ की डेथ्स देखी है हार्ट अटैक से, और उसमें कोरोना को एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। आज हम हल्के में लेते हैं कि हमें सर्दी जुकाम की तरह कोरोना हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन क्या जिसे कोरोना होता है उसे आगे चल के कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये जो हार्ट अटैक वाले मामले हैं, क्या हम उससे जोड़ के इसे देख सकते हैं सर? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक टर्म होती है लॉन्ग कोविड, जब कोविड 3 महीने के बाद भी सिम्टम्स कोविड के रहते हैं, तो लॉन्ग कोविड एक बहुत बड़ी समस्या है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के अंदर। हम सोचते हैं कि कोविड आया 10-12-15 दिन में चला गया तो बस खत्म हो गई, बात नहीं। लॉन्ग कोविड के भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जो कि लोग जिनके साथ जूझते हैं। लॉन्ग कोविड के लिए बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनसिक्योरिटीज लोगों के मन में आ जाती हैं, उसके अलावा लंग फंक्शंस जो हैं वो बहुत सारे लोगों के डिट्यूरेट हो जाते हैं, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़े बढ़ते हैं और कई पेशेंट्स में नहीं भी बढ़ते, क्योंकि जहां पे परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाती है। कुछ केसेस हार्ट के एरिथमियाज के भी नोटिस में आई हैं, जिनमें कि हार्ट की गति जो है वो डिसरेगुलेट हो जाती है और उससे कई बार हार्ट की भी परेशानी आ जाती है। तो लॉन्ग कोविड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जिसके ऊपर की देशों को ध्यान देना चाहिए, और कोविड के बाद के जो इम्पैक्ट्स हैं, लॉन्ग कोविड के क्लिनिक्स होने चाहिए, कन्वर्सेंट क्लिनिक्स होने चाहिए, जहां पर कि लॉन्ग कोविड के केसेस को जो है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 3 महीने के बाद भी जिनको कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चलती रही है, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन हुई हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चलती रही हैं, तो इस तरह की चीजें, इम्यूनिटी लोगों की जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो इस तरह के केसेस को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोविड एक्यूट जो प्रकोप करता है जनरली हम उसी की बात करते हैं, लेकिन लॉन्ग को वे में क्या इम्पैक्ट करता है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो यंग लोगों में जो डेथ्स हुई हैं उनकी मेन वजह दो होती हैं, या तो कई बार हमारे को एरिथमियाज होते हैं जिससे कि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है, और कभी कभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है जिसमें कि हमारे को, तो हम लोगों को ये बहुत जागरूक रखना चाहिए, वी शुड कीप अवर नंबर्स इन चेक, चाहे वो शुगर है, चाहे वो LDL है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, इन सबको हमें चेक पे रखना चाहिए, रेगुलर हमारे को अपने चेकअप्स कराने चाहिए, और अगर उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो कई बार इन डेथ्स की वजह होती है कार्डियोमायोपैथी, जो कि पता ही नहीं चलती हम लोगों को, और ये बाद में कई बार सडन डेथ, डिसरिथमियाज जो होते हैं वो कई बार हमारे को परेशानी कर देते हैं, और कई बार हार्ट अटैक्स जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन वो होते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हेल्थ के प्रति जागरूकता कुछ कोविड ने भी बढ़ाई है और कुछ हमें और बढ़ानी चाहिए, ताकि हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, और हार्ट एक ऐसी ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो केवल एक ही है, जिसको कि संभाल के रखना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है, क्योंकि यही ब्लड को सर्कुलेट करके ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे शरीर में। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि यंग लोगों को भी बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है।